Hello everyone, once again welcome back to my channel. So in today's video I will talk about the PhD admission process at IIT. अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट हैं या फिर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है और आप अभी सोच रहे हैं कि आपको नेक्स्ट करियर स्टेप क्या लेना चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए या फर्दर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, तो अगर आप रिसर्च की डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप PhD करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप PhD करने के बारे में सोच रहे हैं वो भी इंडिया से, तो IITs और NITs आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। इवन तो इसके अलावा भी आप बहुत सारी जगह से PhD कर सकते हैं, लाइक जैसे आप यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हैं, TIFR से PhD कर सकते हैं, IISc से PhD कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप IIT से PhD करना चाहते हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि अगर आप IIT से PhD करने के बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लाइक ईच एंड एवरी PhD प्रोग्राम एट IIT हैज रिग्रस सेटअप एंड डिजाइन। साथ में ही आपको एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस मिलता है जहाँ पे आप फंक्शन करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी रिसर्च है वो इन इंस्टीट्यूट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। इसके अलावा IIT आपको बहुत सारे वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिलता है और आपकी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ये लाइक आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उनको इम्प्रूव करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। इसके साथ ही जब आप कॉन्फ्रेंस वगैरह में अपना जो रिसर्च वर्क होता है उसको प्रेजेंट करते हो, तो वहाँ पे जो रिसर्च कमेटी होती है वो आपको काफी सारे फीडबैक देती है और आप उन फीडबैक को अपनी रिसर्च में इंक्लूड करके आप अपनी रिसर्च की ओवरऑल क्वालिटी को काफी ज्यादा इन्हांस कर सकते हो, जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बट इसके साथ आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि IIT में PhD की सीट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, तो PhD एडमिशन है वो कॉम्पिटिटिव हो सकता है एंड यू विल हैव टू मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है, आपको इंटरव्यू फेस करने को मिल सकता है। सो नाउ लेट मी डिस्कस द होल PhD एडमिशन प्रोसेस एट IIT। सो अगर हम PhD एडमिशन प्रोसेस की बात करें वो भी IIT में, तो मैं इसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड एडमिशन प्रोसेस। सो नाउ लेट मी डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो वेरी फर्स्ट, जो बहुत ही जनरल क्राइटेरिया है और हर एक डिपार्टमेंट में सेम होता है, दैट इज यू मस्ट हैव ए मास्टर्स डिग्री। आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मास्टर्स डिग्री इज मैंडेटरी। सेकंड, आपके मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 60% होने चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपकी कैटेगरी है वो जनरल, EWS या फिर OBC है। और अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप मिनिमम 55% होने चाहिए अगर आपकी कैटेगरी सिमिलर लाइक OBC, जनरल और EWS है। अगर आप SC, ST और PW कैटेगरी से हैं तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। लाइक अगर साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके मिनिमम 55% होने चाहिए और अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। सो नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, आपने गेट, UGC, नेट या फिर DST इंस्पायर क्लियर किया हुआ होना चाहिए। और अगर हम गेट स्कोर के बारे में बात करें तो ये गेट स्कोर IIT टू IIT और NIT टू NIT वेरी करता है। आप जिस भी IIT में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी, सम टाइम ये गेट स्कोर का क्राइटेरिया है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे भी डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम आते हैं तो वो कई बार लोअर रैंक वाले बच्चों को भी इंटरव्यू कॉल कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर किसी IIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे गेट स्कोर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपका चाहे कुछ भी गेट स्कोर हो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल मिल जाए। सो फाइनली अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली है तो आप अभी PhD के लिए एलिजिबल हैं, वो भी IIT में। तो अब आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है या फिर इंटरव्यू देना पड़ सकता है या फिर दोनों देने पड़ सकते हैं। तो नाउ लेट मी डिस्कस द होल प्रोसेस ऑफ PhD एडमिशन एट IIT। लाइक कब PhD के फॉर्म्स है वो IIT में ओपन होते हैं, कब शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट वो रिलीज करते हैं, कब इंटरव्यू कॉल होता है, इंटरव्यू के कितने दिन बाद वो फाइनल रिजल्ट है उसको अनाउंस करते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन आपको आंसर करने वाली हूं। तो अगर हम IIT में PhD एडमिशन के बारे में बात करें तो साल में दो बार फॉर्म ओपन होते हैं। तो फर्स्ट टाइम पे जो फॉर्म ओपन होते हैं वो मार्च
मार्च और अप्रैल में ओपन होते हैं. मार्च लास्ट और अप्रैल कंटिन्यू चलता है. वो डिपेंड करता है आईआईटी टू आईआईटी. एंड अगर सेकंड टाइम पे बात करें तो वो सितंबर और अक्टूबर के अराउंड ओपन होते हैं. और इन फॉर्म से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हर एक आईआईटी के ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाती है. तो आप वहां जाके इजिली पता लगा सकते हो कि फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं या नहीं हुए हैं. अप्रोक्सीमेट आपको ध्यान रखना है कि किस मंथ में फॉर्म ओपन होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी. सो अगर इनकी फीस की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमल होता है, लाइक 100-200 या अप टू 500 रुपीज तक होता है, जो बहुत ही मिनिमल चार्ज है. और अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग की, लिस्ट कब आती है, तो जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो आईआईटी में, की जो लिस्ट होती है वो फर्स्ट टाइम पे मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में आ जाती है. और उसी टाइम पे आपको इंटरव्यू कॉल किया जाता है. और अगर हम सेप्टेम्बर और अक्टूबर वाले सेशन की बात करें तो उस टाइम पे आप नवम्बर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको इंटरव्यू कॉल किया जाता है. और अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेना चाहते हो तो उस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपका इंटरव्यू हो गया तो फाइनल रिजल्ट है वो कितने दिन में आता है. तो फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो अगर आपने इंटरव्यू है वो मई लास्ट में दिया है या जून फर्स्ट वीक में दिया है, तो जून एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है. विद इन 20-25 डेज वो फाइनल जो लिस्ट होती है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर देते हैं. और आपको एक टाइम दिया जाता है स्पेसिफाइड, लाइक 7-10 डेज, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, हॉस्टल से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, और साथ में ही आपको जो आपका डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है वो भी करना होता है. एंड देन फिर वो आपको एक पर्टिकुलर डेट पे रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाते हैं. उस दिन वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करते हैं. तो इस तरीके से आपका पीएचडी एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाता है. और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी दिन से आपकी फेलोशिप है वो स्टार्ट हो जाती है. होप सो मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं. बट एट दी एंड मैं आपको एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं वो भी आईआईटी से, तो आपको जो स्पेसिफाइड टाइम मैंने आपको बताया उस ड्यूरिंग आपको अपने आप को अपडेट रखने के लिए आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स को जाके चेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि कब क्या चल रहा है. ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.